जो हार्दिक का एटीट्यूड है वो हमारा मर्जी वाला ही चल रहा है। बिल्कुल है ना, ये एटीट्यूड की बात हो रही है कि इसका एटीट्यूड क्या है। इसका एटीट्यूड है हमारा मर्जी, हम नहीं खेलेगा। बोलो भाई बैटिंग कर लो, हमारा मर्जी है नहीं खेलेगा, हमारा बैट है हम नहीं खेलेगा, हम रन नहीं बनाएगा, हमारा मर्जी। तो इसका एटीट्यूड ही है वही है। बिल्कुल, वो जो मीम भी बना है, जो इतना पॉपुलर हुआ है, इतना वायरल हुआ है, हमारा मर्जी है हम नहीं जीतेगा, तो दैट हैज कम आउट बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, देयर परफॉर्मेंस है ना। तो ये बेसिकली एक कहानी बयां करता है ये वाला, इसलिए वो इतना पॉपुलर भी हुआ। बांग्लादेश का वो बहुत पॉपुलर है, पाकिस्तान का, तो उसी तरीके का एटीट्यूड या बयान करता है ना। exactly. कि ये कैरेक्टर बयान कर रहा है कि किस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। तो वो आज हार्दिक पांड्या की आप कह रहे थे कि कप्तानी थोड़ी सी बेहतर हुई, अकेले रोहित नहीं थे तो शायद कंफर्टेबल थे वो मैदान में। अब ये दोनों जब इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में जाएंगे और दोनों एक साथ मैदान में होंगे तो कंफर्ट लेवल क्या होगा? कंफर्ट लेवल। और दूसरी चीज, गेंदबाजी वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी इतना बड़ा कंसर्न नहीं था क्योंकि पिछले मैच में। यार एक बात बताऊं कि गेंदबाजी प्रॉब्लम इसलिए नहीं लग रही है कि सामने ऐसे कोई बैट्समैन है भी नहीं कि मतलब उड़ा दे। ये वो वाले फॉर्म में नहीं है बैट्समैन जो आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाले मिलेंगे। न्यूजीलैंड वाले तोड़ देंगे यार, रचिन रविंद्रा वगैरह जिस तरीके से मारते मिडल ओवर्स तक, उनके डैरल मिचेल आ जाएंगे, मैट हेनरी आ जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से बैट्समैन है, भूल ही जाता हूं, लेकिन न्यूजीलैंड के तोड़ू बैट्समैन है, इंग्लैंड के तोड़ू बैट्समैन है, यही लियाम लिविंगस्टोन वगैरह बीच में आएंगे जब, ये अलग मूड में होंगे वहां पर, तब आप देखना ये हार्दिक पांड्या की जो कुटाई होगी तो फिर वो मतलब वो मतलब क्या बताऊं। कुटाई तो आज हुई है, 4 में 44 रन तो आज भी खाए, तो 4 में 44 तो ठीक ठाक पैसे लुटाए उन्होंने, अच्छा खासे पैसे लुटाए यहाँ पे, लेकिन फिर भी कप्तानी में ठीक लग रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी में तो पता ही नहीं चला इनके साथ हुआ क्या है।